नमस्कार दोस्तों, अभी अभी मौसम विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश को लेकर एक रेड अलर्ट हाई अलर्ट जारी किया गया। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी ठंड, शीतलहर और कई जगहों पर बारिश के अनुमान जताए जा रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना, एक एक करके जो ना मध्य प्रदेश के लगभग सभी के सभी जिलों की मौसम की जानकारी जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यानी कि आप अगर मध्य प्रदेश में कहीं पर भी रहते हैं तो आपको वीडियो को जो है पूरा लास्ट तक जरूर देखना है, बीच में छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है। वही दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं, यानी कि आप मध्य प्रदेश में कहां पर रहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अभी अभी मिली मौसम की जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में जो है मौसम तेजी से बदल रहा है। राजस्थान में लगी पाकिस्तान की सीमा पर एक प्रेरित चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है, इसकी वजह से दोस्तों कई दिशा में बदलाव देखने को मिलेगा। और बताया जा रहा है कि जो है मध्य प्रदेश के कई जिलों में जो है छिटपुट के साथ अच्छी बारिश और कई जगहों पर भारी से भारी ठंड हो सकती है। हवा के साथ दोस्तों नमी होने से जो है मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बारिश के अनुमान काफी ज्यादा बने हुए हैं। और राजधानी भोपाल सहित रायसेन, विदिशा, अशोकनगर, गोना, शिवपुरी सहित दूसरे कई जिले हैं जहां पर बारिश की संभावना बनी हुई है। बताया जा रहा है कि दोस्तों कई ऐसे भी जिले जहां पर भारी से भारी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। कई जगहों पर मौसम साफ रहेगा तो कई जगहों पर भारी ठंड का प्रकोप रहेगा। और जहां पर ठंड रहेगी ना, तो सागर और भोपाल संभाग के जिले तथा सतना, उमरिया, जबलपुर, होशंगाबाद, इंदौर, रतलाम, उज्जैन एवं शाजापुर जिलों में कई इलाकों पर मौसम काफी ज्यादा ठंडा देखने को मिल सकता है। और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान जो है सागर, चंबल संभाग के जिलों में तथा शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, बालाघाट, रायसेन, गुना, ग्वालियर एवं दतिया जिलों में सुबह के साथ घना कोहरा छाया रहेगा। और मौसम विभाग के मुताबिक दोस्तों पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और वर्तमान में किसी वेदर सिस्टम का सक्रिय नहीं रहने की वजह से हवाओं का रुख उत्तरी और पूर्वी जो है गया है। और अगले 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है सर्द हवाएं चलने के और राजधानी सहित पूरे मध्य प्रदेश में जो है दिन के तापमान में तेजी से गिरावट आने के अनुमान काफी ज्यादा बताए जा रहे हैं। वही दोस्तों आपको बता दो, राजधानी भोपाल में मौसम एक बार फिर से करवट जो है बदल रहा है। आज पूरी तरह से मौसम बदल गया और दिन के तापमान में जो काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। कई जगहों पर 5 और कई जगहों पर 4 से 5 और 3 डिग्री तक की गिरावट आई है। ओले गिरने की भी आशंका है। दोस्तों मौसम विभाग का कहना है कि एक साथ 3 वेदर सिस्टम सक्रिय होने से आज जो है आज और कल काफी ज्यादा मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। और बताया जा रहा है कि कई जगहों पर बादल छाए रहने के अनुमान है और भोपाल सहित पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में अधिक स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसी दौरान कहीं कहीं पर ओले गिरने की भी आशंका जताई है। इसी दौरान बताया जा रहा है कि तापमान में तो कमी दर्ज की जाएगी, लेकिन रात में भी जो है तापमान में काफी ज्यादा कमी आएगी। और मौसम विभाग के मुताबिक बादल छाए रहने के कारण दिन के तापमान में तो कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन रात का तापमान जो है काफी ज्यादा अपेक्षाकृत बना हुआ है। और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बादल छटने लगेंगे और धीरे धीरे मौसम साफ होने लगेगा। इससे एक बार फिर से रात के तापमान में गिरावट होने लगेगी और इससे फिर वातावरण ठंडा होने लगेगा। वही दोस्तों ठिठुरन से फिलहाल राहत नहीं, 1-2 दिन के बाद जो है काफी ज्यादा मौसम बदलने लगा है। और भारतीय मौसम विभाग की माने तो कई जगहों पर जो है मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा जो है एक साथ जो है ठंडा मौसम देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर बारिश भी होने वाली है। और मौसम विभाग ने बताया कि दोस्तों गरज चमक के साथ कई जगहों पर बौछारें पड़ने के अनुमान है। इसी दौरान कहीं कहीं पर ओले भी गिर सकते हैं। और बताया जा रहा है कि अगले 3 दिन के दौरान जो है काफी ज्यादा मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित इंदौर, उज्जैन, दमोह सहित पश्चिमी जो है मध्य प्रदेश के 8 जिलों में कोल्ड डे रहा और ग्वालियर, खजुरा सहित उत्तरी हिस्सों में कोहरा छाया रहेगा। और दोस्तों जबकि छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट सहित पूर्वी हिस्सों में जो है कई जगहों पर भारी ठंड पड़ी है। और सागर, दतिया, खजुरा, गुना, रतलाम, सतना, टिकमगढ़, खंडवा में शीतलहर चली, जबकि रीवा, सतना, टिकमगढ़, खजुरा, ग्वालियर, नौगांव कोहरा छाया रहा। इसकी वजह से कई जगहों पर उत्तरी से सूखी व सर्द हवाएं जो है सिलसिला नहीं थमने का नाम ले रहा है। वही दोस्तों शीतलहर की चपेट में कई जगह पर देखने को मिले और कई जगहों पर भारी से भारी ठंड पड़ रही है। और बताया जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान काफी ज्यादा जगहों पर जो है शीतलहर चलेगी और गुना, अशोकनगर, रतलाम, उज्जैन, खंडवा, भोपाल, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, उमरिया, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, इन जगहों पर शीतलहर चलने के काफी ज्यादा अनुमान जताए जा रहे हैं। और इन जगहों पर गुना और दतिया, उज्जैन, रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया, छिंदवाड़ा, मंडला, दमोह, छतरपुर, टिकमगढ़, रायसेन, रतलाम में काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है। और दतिया में, ग्वालियर में, भिंड में, मुरैना में, शिवपुर में, श्योपुर में काफी ज्यादा ठंडा मौसम रहने के अनुमान और भी ज्यादा बताए जा रहे हैं। और भारतीय मौसम विभाग की माने तो कई जगहों पर कोल्ड डे की स्थिति और भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। और दोस्तों बात करें खंडवा मध्य प्रदेश की, तो रात के समय खंडवा में जो है काफी ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है, लेकिन दिन के समय काफी ज्यादा खंडवा मध्य प्रदेश में भारी गर्मी पड़ रही है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि देवास मध्य प्रदेश में जो है काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी और बादल छाए रहे, लेकिन 2 दिन के दौरान काफी ठंडा मौसम रहने वाला है और रात के समय 14 के करीब तापमान जा रहा है देवास में। और राजगढ़ की बात करें, यहां पर जो है 30 के करीब तापमान चला गया और कई जगह पर बादल छाए, लेकिन दोस्तों काफी ज्यादा 2 दिनों तक बादल के जो है आवाजाही बहुत ही ज्यादा रहेगी, जिससे मौसम काफी ठंडा रह सकता है। शाजापुर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी काफी ठंडा मौसम बना हुआ और बताया जा रहा है अगले 3 से 4 दिनों के दौरान जो है शाजापुर मध्य प्रदेश में काफी ठंडा और 2 दिन बादल छाए रहने के अनुमान है। सीहोर में भी दोस्तों 30 के करीब और रात के समय 16 के करीब तापमान गिर जाता है, लेकिन आपको बता दूं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान सीहोर में काफी ज्यादा जगहों पर ठंडा मौसम बना हुआ दिखाई दे रहा है। और बताया जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कई जगहों पर जो है भारी ठंड मौसम बदल सकता है, क्योंकि बारिश की वजह से कई ऐसे जिले जहां पर भारी से भारी जो है लोगों को गर्मी से बहुत ही जल्द जो है राहत देने के अनुमान जताए जा रहे हैं। वही दोस्तों मैं आपको बता दूं रायसेन का, तो
रायसेन में 16 के करीब रात को तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है, दिन में 30 के करीब जा रहा है, 27, 28, 29, 30। और बताया जा रहा है कि दोस्तों 2 दिन तक काफ़ी ज़्यादा बादल छाए रहने के अनुमान बहुत ही ज़्यादा है और भारी से भारी ठंड का प्रकोप भी देखने को हमें मिल सकता है। वहीं दोस्तों आपको बता दूँ मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में जो लंबे समय से जारी शुष्क मौसम के बीच जो है कई जगहों पर छिंदवाड़ा, सिवनी और रास्त में मलंजखंड में इसके आसपास के जिलों में बारिश देखने को मिलेगी और बारिश के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा मौसम जो है अगले 3 से 4 दिनों तक देखने को मिल सकता है इस अवधि में। मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर से जो है बदल सकता है और जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, छतरपुर, ग्वालियर समेत सभी जिलों में कई जगहों पर मौसम में भारी बादल बरसने और जो है बादलों के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा बादलों की आवाजाही और ठंड देखने को मिल सकती है। ग्वालियर से लेकर विदिशा, सागर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, पन्ना और आसपास के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बादल छाए रहने की अनुमान है और हल्की वर्षा की भी संभावना और बारिश का क्रम अगले 1 सप्ताह तक देखने को मिलेगा। फिलहाल मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में दिन और रात के तापमान में हल्की वृद्धि जारी रहेगी और दोस्तों भोपाल में भी जो है अगले 24-48 घंटों के दौरान हमें भारी ठंड देखने को मिलेगी। छिंदवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड है दिन और रात के समय और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में जो है रात के समय काफ़ी ज़्यादा जो है मौसम गिरता नजर आ रहा है। इंदौर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर काफी ठंडा मौसम बना हुआ है और इंदौर की बात करें तो यहां पर अगले 24-48 घंटों के दौरान 14 और 15 के करीब तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है, कई जगहों पर जो भारी ठंड पड़ रही है। भोपाल मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी भारी से भारी ठंड का प्रकोप हमें बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहां पर जो है रात के समय ठंड पड़ रही है लेकिन 2 दिनों तक बारिश के अनुमान भी बताए जा रहे हैं। और कटनी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर 3 दिनों तक जो है बादल छाए रहने के अनुमान है, उसके बाद 3 दिन गर्मी पड़ेगी, फिर 3 दिन जो है बादल छाए रहने के अनुमान बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। और मंदसौर की बात करें तो यहां पर मौसम पूरी तरह से साफ है लेकिन ठंड काफी ज्यादा है क्योंकि शीतलहर का प्रकोप पड़ रहा है और कई जगहों पर भारी से भारी ठंड देखने को मिल रही है। दतिया मध्य प्रदेश की बात करें तो 2 दिनों तक काफ़ी बादल छाए रहेंगे, उसके बाद दोस्तों जो है 3 दिन तक जो है काफ़ी मौसम साफ रहेगा, दिन के और रात के समय भी तापमान भारी गिरावट के साथ दर्ज किया जाएगा और उसके बाद थोड़ी सी गर्मी पड़ सकती है दतिया में। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में 2 दिनों तक काफ़ी ठंड के प्रकोप देखने को मिलेगा, तापमान पूरी तरह से गिर जाएगा। दोपहर के समय तापमान जहां पर 27-28 रिकॉर्ड किया जा रहा है वहां पर अचानक तापमान गिरेगा और 24 और 20 के करीब तापमान आ जाएगा, से भारी ठंड देखने को मिलेगी हमें ग्वालियर मध्य प्रदेश में। भिंड की बात करें तो 2 दिन तक काफ़ी बादल छाए रहेंगे, उसके बाद 4 दिन तक जो है काफ़ी शुष्क और सामान्य मौसम रहेगा, लेकिन दोस्तों जो है ठंडा मौसम बहुत ही जल्द होने वाला है भिंड मध्य प्रदेश में, जहां पर 27-28 तापमान है वहां पर अचानक तापमान गिरकर 23-24 पर आ जाएगा। छतरपुर की बात करें 2 दिनों तक काफी बादल छाए रहने के अनुमान है, उसके बाद दोस्तों काफी ठंडा और सौना मौसम जो है हमें देखने को मिल सकता है। और बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो है काफी ज्यादा जगहों पर तापमान में गिरावट दर्ज जो शुरू होने लगी क्योंकि कई जगहों पर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जगहों पर ठंडा मौसम हमें देखने को मिलेगा और कई जगहों पर छिटपुट के साथ अच्छी बारिश भी देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विभाग की माने तो ग्वालियर में भी जो है कई जगहों पर कोल्ड डे जैसे हालात और शिवपुरी दतिया में भी भारी से भारी ठंड देखने को मिल रही है। और दोस्तों शिवपुरी में, दतिया में, भिंड में, ग्वालियर में, मुरैना में, श्योपुर में जो रात का तापमान है काफी ज्यादा ठंड रिकॉर्ड किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अगले 24-48 घंटों के दौरान भी भारी ठंड पड़ेगी और आने वाले 24 घंटों में उमरिया, जबलपुर, सिवनी और जिलों में तीव्र शीतलहर चलेगी जिससे तापमान में और गिरावट आ सकती है। और वहीं सागर, भोपाल, ग्वालियर एंड चंबल संभाग के जिलों में छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, कटनी, रीवा, सतना, डिंडोरी और बैतूल, खंडवा, खरगोन, धार, रतलाम, उज्जैन और शाजापुर जिलों में शीतलहर चलने के अनुमान और मौसम विभाग के मुताबिक छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में तीव्र काफी ज्यादा, भोपाल संभाग के जिलों में उमरिया, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, बैतूल, खंडवा, खरगोन, धार, उज्जैन में दतिया में शीतलहर चलेगी। और बताया जा रहा है कि खजुरा, रीवा, सतना, उमरिया, खजुरा, नौगांव, सागर, टीकमगढ़, दमोह, बैतूल, भोपाल, रायसेन और साथ में दोस्तों कई ऐसे जिले हैं खंडवा, रतलाम, दतिया, ग्वालियर एवं गुना में भी शीतलहर का प्रकोप काफी ज्यादा रहेगा और बढ़ेगी ठंड, बने रहेंगे बारिश के अनुमान। मौसम विभाग ने जो है काफी ज्यादा जगहों पर भारी से भारी ठंड पड़ने, मध्य प्रदेश के कई जिलों में ठंड पड़ने के अनुमान जताए हैं। तो यह था आज का मौसम सिस्टम। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।